बैठे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। आज आप सोच नहीं सकते, मैं आपको यकीन भी नहीं दिला सकता कि मैं कितना खुश हूं, कितना हैप्पी हूं आप लोगों के बीच में आके। और मैं जब देख रहा था कि यहाँ के सारे लोगों ने बोला कि मैं सीकर से हूं, कोई लक्ष्मणगढ़ से हूं, कोई कहीं से हूं, और मैं आपको बताऊं एक गाना आया था, वो पता नहीं किसके लिए था, लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे लगता है वो सिर्फ आपके ला कि जग घूमिया रियली कोई नहीं यार। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। और इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकते हैं, जब मैं एंट्री कर रहा था तब भी ये होल ऐसे ही भरा हुआ था, ऊपर से भी नीचे से भी, और बीच वाली जो एक गैलरी है ये भी ऐसी की ऐसी भरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज से पहले कई जगह गए होंगे, अलग अलग जगह गए होंगे, लास्ट में जब शो का एंड होने वाली होता है कुछ लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, और वो ऐसा करते हैं कि अपने घर चले जाते हैं बीच की चेयर खाली करके। लेकिन मैं अगर आपको दोनों हाथ से सलूट करूं तो भी कम है, अभी भी एक गैलरी वैसी की वैसी भरी हुई है यार। अभी भी इस कोने के ऊपर लोग वैसे ही खड़े हैं, अभी भी ऊपर वैसे ही लोग खड़े हैं, अभी भी लोग वैसे ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, एक सरप्राइज की बात मैं आपको बताऊं, बताऊं, मैं यहां पे नमस्कार जयपुर नहीं बोलूंगा, नमस्कार मुंबई भी बोलूंगा। आज के दिन मैंने दो जगह टाइम दिया, बाद में डिसाइड हुआ कि शो दोनों जगह फाइनल हो गया। मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा दोनों जगह कर रहे हैं, तो मैं मुंबई के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार, और अभी यहां वहां भी लाइव चल रहा हूं मैं, और यहां आपके सामने प्रेजेंटली मैं लाइव हूं। मैंने सोचा यार आत्मा एक है, कितने जगह जाऊं, तो एक तरीका निकाला, वहां पे अभी आप लोगों के सामने दूसरे दो लोग मुझे सुन रहे हैं, वहां पे कुणाल सर की टीम है, ब्लू डायमंड हमारे रवि राजभोग जी हैं, जो वहां पे मुंबई से जो ब्लू डायमंड है, जिनका अभी तक शो लगा हुआ था, और अभी तक वहां भी तकरीबन 2000 लोगों की भीड़ है, और शायद मुंबई वाले आप लोगों के शो को पूरा यहां से कवर होते हुए पूरा देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर इतिहास बनाने के लिए आए हैं, यस या नो? दो तीन दिन पहले की बात थी कि मैंने बोला एक इतिहास बनाएंगे, आज से पहले असली बेस्ट वेलनेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था, और पहली बार तीन दिन पहले हम लोगों ने किया कि अब से पहले बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां आती थी एक दिन में आई, और हमने ऐसा भी किया एक गाड़ी सुबह डिलीवरी करी, एक गाड़ी शाम को डिलीवरी की। लेकिन आप लोगों ने कुछ लाइव वीडियो देखा होगा तो जरूर देखा होगा कि 29 को हमने दो BMW एक ही साथ एक ही शोरूम से बराबर खड़ी करके डिलीवरी ली थी, और ये रिकॉर्ड एक साथ दो डिलीवरी एक ही शोरूम से वन टाइम लेने का अगर किसी ने बनाया तो वो AWPL फाइटर्स ने बनाया। और आज आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज एक साथ एक स्टेज पे खड़े होके अगर दो शहर के लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं, तो ये मौका भी मुझे सिर्फ AWPL फाइटर्स ने दिया ऐसा। तो इसलिए आप मुंबई फाइटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जयपुर और राजस्थान फाइटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं यहां पे लोगों की स्पीच सुन रहा था, सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट होता है जो नया आदमी आता है, वो हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो आदमी पहले पे फ्रंट चेयर पे बैठा होता है और जो सफर से गुजरा होता है, उसकी जिंदगी में जो खुशियां होती है ना, वो अपने लफ्जों से उसको बयां नहीं कर सकता। यहां पे मैंने देखा आज हम सब लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं मिस्टर संदीप जी को, उनको क्या बनते हुए आपने देखा, रॉयल डायमंड आपने जब बनते हुए देखा, नसीब सर को यहां पे सुना, निवेदन जी को करोड़पति बनते हुए देखा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आदमी आता है तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा होती हैं, और वो पहली होती है कि इंडस्ट्री का सबसे सम्मानजनक अगर कोई लेवल है इस इंडस्ट्री के अंदर तो डायमंड है, और डायमंड बनते हुए आज आपने राजेश जी को देखा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत सम्मानजनक लेवल को हासिल किया। उसके बाद जब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आदमी आता है तो उसका सपना होता है कि डायमंड के साथ साथ कंपनी कोई भी हो, इंडस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन एक सपना होता है कि कुछ भी हो जाए करोड़पति बनना है, ये सपना होता है कि नहीं होता? और आज आपने नेमीचंद जी को इस सपने को क्रॉस करते हुए देखा। उसके बाद एक सपना और होता है कि जब एक आदमी आता है तो उसके पास एक काफिला होता है, वो चाहता है कि मैं लग्जरी कार से सवारी करूं, होता है कि नहीं होता? दोस्त अगर हम आज बोले कि मैंने ओडी ली, BMW ली, मर्सिडीज ली, जगवार ली, पोर्शे ली, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यकीन करना,
यहां पे आके अगर कोई बोल भी गया ना कि मेरा सपना हुआ करता था, मेरे दोस्त सच बात तो यह है कि जब हम पढ़ा करते थे और इस इंडस्ट्री के संपर्क में नहीं आए थे, क्या मर्सिडीज का नाम सुना था? क्या जैगवार का नाम सुना था? जुगाड़ का नाम सुना था, जैगवार का नाम नहीं सुना था। क्या किसी को जैगवार चलाते हुए देखा था? जुगाड़ चलाते हुए पक्का देखा था। जैगवार चलाते हुए, बीएमडब्ल्यू चलाते हुए और बीएमडब्ल्यू का नाम नहीं सुना था। पोर्ट्स वोर्स तो बहुत बाद की बात है, वो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा कभी सपना नहीं था कि ओडी आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी, जैगवार आएगी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं सपना, अरे भाई हमें तो सपनों में रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और आप में से कई लोगों को दिखाई दिए होंगे, सुबह उठ के बोले होंगे मम्मी रात को भूत दिखाई दे रहा था। कब ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज दिखाई दिया हमें? लेकिन आज कितना प्राउड फील होता है, कितनी खुशी होती है जब लेमिचंद जी यहां पे आके बोलते हैं कि मैडम को आज जयपुर की गलियों के अंदर मैं ओडी A4 से घुमा रहा था। और आप सबको बताऊं कि बात सुन के उनके घर में और आपको कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे कितनी खुशी हुई होगी मैं बताता हूं। आज जब नसीब सर ने बोला मैंने वेला ले ली, मैं आपको बताऊं कि इस खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर काम करना है तो एक मैसेज देता हूं मैं, इस मैसेज को ध्यान से सुनना। और वो मैसेज ये है जो कि आपको कभी थकने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा, कभी परेशान नहीं होने देगा। और वो ये है कि आपका प्लान दिया हुआ कोई आदमी, आपका फॉलोअप किया हुआ कोई इंसान, आपके बताए हुए रास्ते पे चला हुआ कोई इंसान एक दिन इस स्टेडियम पे आके बोलेगा कि मैं करोड़पति बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं ब्लू डायमंड बन गया, मैंने रेंज रोवर ले ली। मैं सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन वही होगा यार। अगर आपको काम करना है तो इस बात के लिए करना। मुझे याद है वो पल, और नसीब सर ने जो बात बताई वो 100% सत्य है कि रात को हम लोग प्लान देने के लिए गए, इनके मामा जी मना कर रहे। इनके पास में, मामा जी के पास में कोई मूलची हलवाई करके उनकी दुकान हुआ करते थे, और वो दोनों गैंग बना के बैठ गए कि हमारे पास तो कंपनी में, हमारे होटल में डेली टाई वाले आते हैं। मैंने कहा डेली टाई वाले आते होंगे लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही आए हैं। ये मन ही मन सोचा था हमने। रात को 1 बजे हो गई, 2 बजे हो गई, 3 बजे हो गई, 4 बजे हो गई। दोस्त नसीब सर, क्या लगता है इनका नसीब आसानी से खुला था? ये नाम ही नसीब है, ये नसीब सर का नसीब भी ताले में बंद था। पूरी रात हथौड़े मारे थे, सुबह 2:30 बजे जब नसीब सर का नसीब खुलने की बारी आई तो इनके मामा जी बीच में रोड़ा अटकाने बैठ गए, मूलजी हलवाई आ गए और बोले अब आपके प्रोडक्ट में इतना ही अच्छा है तो मेरे कंधे में दर्द हुआ है, याद है? हमने बोला अगर आपके कंधे में दर्द है तो हम कंधे में भी तेल लगाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि रात को 2:45 बजे 2:45 पे मूल जी का शर्ट खुलवा के जैसी ऑयल से हम मालिश कर रहे हैं। 5 मिनट मालिश की और मैं बोला सर इंतजार करो, 7वीं मिनट बोलते हैं आराम आ गया। अब हमने बोला कि अब तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी माने नहीं। हम लोग सुबह तक फॉलोअप करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने पहले भी ये बोली है, आज आप सब लोगों को मैसेज देता हूं कि ये सच है कि एक फावड़ा, अपने यहां फावड़ा ही होता है ना, कस्सी होती है, जानते हैं सारे लोग, जब नीचे से रेत निकालते हैं ना तो पहली खुदाई के अंदर पानी नहीं आता है, लेकिन जब जो आदमी लगातार खुदाई करता रहता है उसकी उस जगह पे वो कुआं रूपी जगह में एक ना एक दिन पानी जरूर आता है। लेकिन याद रखना एक बात का, वो जब पानी आया था और लास्ट आपने मिट्टी निकाली थी, उसका जितना रोल है उतना ही रोल उस फावड़े का भी है, उस रेत का भी है जो पहली बार आपने मारा था। अगर पहली बार के बाद आप कभी भी रुक जाते तो आपकी जिंदगी के अंदर पानी जैसा सुख कभी नहीं ले पाते। मैं दोस्त वैसे ही बताना चाहता हूं कि ये सच है कि हर आदमी ज्वाइन नहीं करता है, हर आदमी आपका साथ नहीं देता है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये सच है। लेकिन यार ये भी तो सच है
मेरे कहने से एक काम करना, कोशिश करते जाना, कोशिश करते जाना, कोशिश करते जाना। आज तक कोई आदमी बताए कि जिसको पहली बार में एक बार में कभी सफलता मिली है? कोई एक आदमी बताए कि पहली बार में मैंने काम करना शुरू किया और पहली बार में कामयाब हो गया? ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं है। हिंदुस्तान के जब बड़े बड़े लोगों के और विदेश के जब बड़े बड़े लोगों के और बड़े बड़े आइडियल जिन्होंने आज चमत्कार किया हुआ है, जब उनकी आप इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई 9000 बार फेल हुआ, कोई 10000 बार फेल हुआ, कोई 1000 बार फेल हुआ, कोई 5000 बार फेल हुआ। लेकिन जो आदमी बार बार फेल होने के बाद जो कभी नहीं रुकने की कसम खाई, उसका नाम अब हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। और जिस आदमी ने 5000 2000 एक बार फेल हो गया, मेहनत की लेकिन मंजिल पे पहुंचे बगैर जो पीछे हट गया वो भूतकाल बन गया, उसको कोई नहीं जानता है मेरे दोस्त। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर गलती से ही सही, मर्जी से ही सही, किसी के प्रेशर में ही सही, भाई बंदी से ही सही, दोस्ती यारी में ही सही, कुछ भी मानो प्लेटफॉर्म तो मिल गया यार, इसकी कदर करना। और कामयाब होने के लिए एक चीज आपको बताता हूं, प्लेटफॉर्म मिलने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है दोस्त। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म की पूजा करनी पड़ेगी, और इस प्लेटफॉर्म को वैसे ही पूजना पड़ेगा। आप अपने शहर में आसपास देखेंगे, जूते काटने वाला एक कारीगर, सुबह टेलर की दुकान खोलने वाला, छोटी मोटी परचून की दुकान खोलने वाला आदमी जब अपनी दुकान पे जाता है, चाहे धंधा उसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सुबह सुबह जाके 4 बार माथे से लगाता है साहब, उसको उससे पैसा इसलिए आता है कि उस प्लेटफॉर्म की वो पूजा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज मान लेना, आज के बाद उस प्लेटफॉर्म की पूजा करना शुरू कर देना, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। बिना पूजा के कभी भी फल नहीं मिला है, अगर फल चाहिए तो पूजा करनी पड़ेगी। तैयार है मेरे दोस्त? एक चीज बताऊं आपको कि इस दुनिया में कोई आदमी निकम्मा नहीं है, कोई आदमी कामचोर नहीं है, कोई आदमी बेवकूफ नहीं है, कोई आदमी पागल नहीं है, कोई आदमी अपने सपनों से दिल नहीं चुराता है। लेकिन फर्क इस बात का पड़ेगा, यहां पे कामयाब अगर होना है, अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके काम चलाने हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे जैसे अपना परिवार पालता हूं, तो भाई साहब हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना समय कभी भी व्यर्थ ना करें। ये उन लोगों का धंधा नहीं है साहब, ये उन लोगों का धंधा है, ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके सपनों में जान और सपने अभी भी जिंदा हैं। अगर आपके सपने अभी मर चुके हैं या जिंदा नहीं है, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आप सारे के सारे लोग अपनी उम्र के 16 साल के पड़ाव में जाना, 14 साल 13 साल 15 साल 16 साल की जिंदगी में जाओ। आप जब सिनेमा हॉल में मूवी देखते थे, अपने टीवी में मूवी देखते थे, और आपने बड़े बड़े हीरो हीरोइन को फ्लाइट में सफर करते हुए देखा था, तो आपका मन फ्लाइट में जाने का किया होगा कि नहीं किया होगा? जब आपने 15-16 साल की उम्र के अंदर आप जब स्कूल और कॉलेज गए होंगे, तो आपके स्कूल के बाहर से कॉलेज के बाहर से बड़े बड़े ऐसे पोस्टर खरीद के लाए जो आपने अपने बेडरूम में लगाए, जो कि 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए की बाइक के हुआ करते थे। आप ऐसे ऐसे पोस्टर खरीद के लाए जो छत खुली हुई कारों के हुआ करते थे। आप ऐसे ऐसे घर के पोस्टर खरीद के लाए जिसके बाहर स्विमिंग पूल है, जिसके बाहर ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार खड़ी है, जिसके बाहर झूला लगा हुआ है और सामने दो लोग बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। ऐसे पोस्टर खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे? लेकिन मुझे बताइए 35 साल की उम्र में किसी ने खरीदा? क्योंकि 16 साल और 15 साल की उम्र में एक आदमी नादान होता है, उसको नहीं पता कि जिंदगी की सच्चाई क्या है, उसको लगता है कि जो मेरे सामने है वही रियल सच्चाई है। लेकिन वो जब सच्चाई से रूबरू होता है तो उसको लगता है कि ये चीज मेरे बस की बात नहीं है, और धीरे 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 वो अपने बजट, यानी कि चाहे तो उसकी इनकम सैलरी से है, चाहे उसकी इनकम किसी व्यापार से, उसके साथ अपने आप को मैनेज कर लेता है। और आज हम उस पास्ट को भूल चुके हैं दोस्तों। अगर इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो एक काम करना पड़ेगा कि आपको 16 साल का बनना पड़ेगा। क्या 16 साल के बनने के लिए तैयार हैं? क्या बचपन में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्त बचपन के अंदर जब आप बच्चों को बताते हैं तो इनको जल्दी भरोसा हो जाता है, लेकिन जब बड़े आदमी को बताते हैं तो बड़े आदमी को जब भी आप बताओगे तो उसको लगता है कि मैंने दुनिया देखी है, ये बाल ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गए हैं। आप में से कई लोग गए होंगे लोगों के पास प्लान देने के लिए, तो उन लोगों ने बोला भैया जो तू मुझे समझा रहा है ना,
ये तो मैं समझा समझा के छोड़ दिया। तो आज मेरे पास आया है, आज तुमसे 20 साल पहले ऐसी कंपनी वाले आए थे, लेकिन दोस्त मैं कहना चाहता हूं 20 साल पहले आए या 25 साल पहले आए, और समझने की बात यह है कि आप सारे लोग मेहनती हैं, कर्मठ है, काम करते हैं, आपको जरूरत है तो एक सॉलिड और दमदार प्लेटफॉर्म की। क्योंकि कैसे है मैं आपको समझाता हूं, यहां पे कोई टीचर बैठा होगा, यहां पे कोई आर्मी वाला बैठा होगा, यहां पे कोई पुलिस वाले बैठे होंगे, मैं सबकी जॉब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, और सारे की सारी जॉब जितनी भी है, चाहे बैंक की है, चाहे आर्मी की है, चाहे पुलिस की है, चाहे टीचर की है, सारी की सारी सम्मानजनक है। लेकिन एक चीज बताता हूं, आज कोई टीचर 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, 10 साल के बाद उसकी सैलरी 1,00,000 रुपए महीना हो जाएगी, यस या नो? कुछ समय के बाद 2,00,000 हो जाएगी, कुछ समय के बाद 4,00,000 हो जाएगी, कुछ समय के बाद 5,00,000 हो जाएगी, कुछ समय के बाद क्या 5 से ज्यादा भी जाएगी क्या? मेरे दोस्त, क्या टीचर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होकर सीटियां बजा रहा है कि नहीं बजा रहा? जब आप अपनी कार में एसी चला रहे होते हो, पुलिस वाला इतनी मेहनत करता है कि आपके ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में वो भूल जाता है कि कितनी गर्मी है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो तो मेहनती है, वो तो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म में दम 2,00,000 रुपए से ज्यादा जाने का नहीं है। दोस्त, समझना है तो उस बात को समझना कि आज के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में कितना दम है। यहां पे नसीब सर ने बताया कि 35,00,000 रुपए महीना कमाता हूं, क्या लगता है नसीब खान जी के अंदर दम है? लो, अगर नसीब खान जी में 35,00,000 रुपए का दम होता, यहां पे कुणाल सर 40-45,00,000 रुपए महीना कमाते हैं, अगर उनमें इतना दम होता तो उनके घरों में लग्जरी गाड़ियों की लाइन आज से पहले लग चुकी होगी। अगर ये प्लेटफॉर्म में दम है दोस्त, तो सिर्फ एक चीज के अंदर है कि जैसे कि मेरे पास जगुआर है, आपके पास भी कोई ना कोई कार है। जब आप ट्रैफिक वाले रास्ते में चलाते हैं, शहर में चलाते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, फतेहपुर, जयपुर में चलाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा आपकी कार को कोई पैदल आदमी क्रॉस करके चला जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कई बार एक चीज और देखी होगी कि आपकी जो कार है उसको साइकिल वाला क्रॉस करके चला गया, रिक्शे वाला क्रॉस करके चला गया, तो क्या रिक्शे की और आदमी की, पैदल आदमी की स्पीड ज्यादा हुई क्या? नो, पैदल आदमी की स्पीड ज्यादा नहीं है, रिक्शे की स्पीड ज्यादा नहीं है। फर्क इतना है कि गाड़ी में दम है, 200 की स्पीड में चल सकती है, उसका टैंक फुल है, उसमें जो गाड़ी चला रहा है, उस चलाने वाले के अंदर दम है, सब कुछ है, लेकिन जो रोड के टायर के नीचे जो रोड है उसके अंदर दम नहीं है। इसलिए वो बाइक वाला, वो साइकिल वाला पैदल कार को क्रॉस करके चला जाता है। अगर कार के इंजन का दम आपको देखना है तो किसी एक्सप्रेस वे में कार को डालो और उसके बाद देखो कार के इंजन में कितना दम है। दोस्त, मेरे दोस्त, वैसे ही यहां बैठे हुए हर इंसान के दम अंदर दम है। यहां बैठा हुआ हर इंसान अपनी जिंदगी में टॉप पे जा सकता है, यहां पे बैठा हुआ हर इंसान कामयाब हो सकता है, बशर्ते उसको जरूरत है सबसे पहले प्लेटफॉर्म मिलने की। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि दोस्त हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम असलीपीएस वेलनेस है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आज असलीपीएस वेलनेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्त, कोशिश करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं दोस्त फिर बताऊं, हर आदमी काम करता है, कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं, और जो लोग अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, यकीन मानना वो दूसरों के सपने पूरे करवाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको अपने व्यवसाय में चेक करना है आज के बाद कि आप जो काम कर रहे हो, ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हो या किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हो। अगर आज आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो इससे आपका नहीं किसी और का सपना पूरा हो रहा है, तो मैं दोस्त आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आज के बाद हर उस काम को करना जिसके साथ में आपका सपना जुड़ा हुआ है और आपका सपना पूरा हो सकता है। और जब तक आपके सपने जाग जाएंगे आप दुनिया से लड़ जाओगे। क्योंकि मैंने बताया नीमीचंद जी के बारे में, शुरू में जब मैं सीकर आया था ना, तो नीमीचंद जी के साथ मैंने खुड़ी में प्लान किए, रशीदपुरा में प्लान किए, कई जगह प्लान किए, और एक रात नीमीचंद जी आप भूल गए होंगे या याद है मुझे पता नहीं, मुझे अगले दिन का टाइम मैंने दिल्ली में दिया हुआ था, संदीप जी और नीमीचंद जी मेरे साथ में थे, और वो दिन याद है, शायद आपको याद है कि नहीं है, जब हमने सीकर में शुरुआत की थी। दोस्त, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत के स्टार्टिंग के दिनों में 3 दिन
शाम को जब भी हम मीटिंग से फ्री होते, 3 दिन ऐसे लगातार निकले थे कि हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मेरे दोस्त, अगर कोई आदमी यहां पे पहुंचा है, अगर कोई आदमी यहां पे काम कर रहा है, तो यकीन मानना उसने मेहनत तो की है। किसी ने खाना पहले छोड़ा इसलिए आज यहां है, और किसी ने सोना पहले छोड़ा इसलिए आराम से सो रहा है। डिसाइड आपको करना है कि जो आज आंखों से देख रहे हो, और उस रात जब मुझे सीकर जाना था, और सीकर से रात को दिल्ली के लिए कोई बस नहीं थी, सीकर से जब आप दिल्ली जाते हैं तो पिपराली रोड वाला जो बाईपास पड़ता है, चौराया पड़ता है, आप यकीन नहीं करेंगे, 11 से 6 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में 11 से 6 हम लोगों ने गाड़ी के बाहर खड़े होके पूरी रात बस का वेट किया, और बस उसके बाद भी सुबह 6 बजे आई। आज जब लोगों को बताते हैं कि ऐसा हो गया तो लोगों को लगता है तुक्का लग गया। मेरे दोस्त, तुक्का कभी नहीं लगता है। तुक्के में और अकस्मात में सिर्फ हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो पहली प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, आज आपको प्लेटफॉर्म मिल गया। क्या इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, आपके सामने संदीप जी को आपने देखा, ओडी A6, एक सेकेंड हैंड स्कूटर से चलने वाला लड़का आज ओडी A6 से चलता है यार। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने हर उस आदमी का साथ छोड़ा जो टांग खिंचाई का काम करता था, हर उस आदमी को धत्कार दिया, नकार दिया, साइड कर दिया जो इनको बोलता था तू नहीं कर सकता, हर उस आदमी से दूरी बना ली जो उसके सपनों के बीच में रुकावट थे। और आज आपको बताता हूं, आप भी यहां से जाने के बाद हर उस आदमी का साथ छोड़ना पड़ेगा आपको, चाहे वो कितना ही आपका जिगरी यार हो, जो आपके सपनों के ऊपर जब आप बोलते हैं और वो बोलता है तू नहीं कर पाएगा, दोस्त उन्हीं को तो करके दिखाना है। सबसे बड़ी बात करके पता किसको दिखाना है? जो आदमी आपको बोलता है कि नहीं कर पाएगा, उसी को करके दिखाना है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये तब होगा जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहना शुरू कर दोगे जो लोग आज आपसे आगे हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहना शुरू कर दोगे जिनके पास आपसे पहले कोई लग्जरी गाड़ी है, ऐसे लोगों के साथ में रहना शुरू कर दोगे जो आज आपकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा कामयाब है। क्योंकि दोस्त, हमेशा इस दुनिया में एटमोस्फेयर का फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है। आदमी जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे माहौल में रहेगा वैसा ही बन जाएगा। शराबियों के बीच में रहेगा आदमी शराबी बन जाएगा, पुजारियों के बीच में रहेगा पुजारी बन जाएगा, पैसे वालों के बीच में रहेगा पैसे वालों के बीच में बन जाएगा, और गरीब सोच वालों के बीच में रहेगा गरीब बन जाएगा। डिसाइड आपको करना है, जब आप पानी की बोतल रोड के किनारे खरीदने जाते हैं तो आपको 20 रुपए की मिलती है कि नहीं है? वही पानी की बोतल जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 40 से 50 रुपए की मिलती है। वही पानी की बोतल जब आप किसी 4-स्टार होटल में जाते हैं तो तकरीबन 80 से 90 रुपए की मिलती है। वही पानी की बोतल जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं और जब आप 5-स्टार होटल में जाते हैं तो वही पानी की बोतल 200 रुपए की मिलती है। दोस्त, पानी वही है या अलग अलग है मुझे बताओ? लेकिन रेट अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि जब वो पानी की बोतल रोड के किनारे आई तो 20 रुपए की थी, रेस्टोरेंट में गई तो 40 की हुई, 4-स्टार होटल में गई तो 90 की हुई, 5-स्टार होटल में गई तो 200 रुपए की हो गई। ये बात कहने के लिए दोस्त, आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। आप कैसे लोगों के बीच में हो ऐसी ही आपकी जिंदगी बन जाएगी। आज के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी संगत किन लोगों के साथ में, आप जिन लोगों के, देखिए सबसे बड़ा अगर मैं यहां पे हूं आज और संदीप जी यहां, नेमलचंद जी यहां, नसीब जी यहां, तो यह संगत की वजह से। क्या आप संगत को चेंज करने के लिए तैयार हैं? और जब संगत को चेंज करते हो तो एक चीज, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। आपको अपनी नजरों में आपको सोचना पड़ेगा, आप 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के लिए नहीं बने। और ये बात मैंने तब सोची थी जब मैं आर्मी में नौकरी किया करता था। संयोग से ऐसा बोला जाता है ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता, दोबारा बोलो देता। लेकिन मुझे बताइए, आज तक किसी का छप्पर फटा है क्या?
आप घर वालों में किसी का चेक करना, किसी का छप्पर फटा गया नहीं पड़ा ना, मैं बताता हूं, यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये ऊपर वाले के परम आशीर्वाद की वजह से बैठे हुए हैं। अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो आज आपके घर में कोई काम आ सकता था, आपके साथ कोई हादसा हो सकता था, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी आ सकती थी कि आप यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानना ऊपर वाला तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। संयोग से जब मैं इंडस्ट्री में आया मुझे किसी ने बताया कि कुछ नहीं करना, जो भाषा आपको आती है उसी का इस्तेमाल करना है। मुझे बताइए हिंदी सबको आती है कि नहीं आती? आप मुझे ये बताइए आपकी लोकल लैंग्वेज राजस्थानी में तो बात कर ही सकते हो ना, और बात अगर यहां नहीं करोगे तो कहीं और करोगे? पीपल के गट्टे पे बैठ के ताश बजाओगे, पीपल के गट्टे पे बैठ के चुगली करोगे, किसने क्या किया किसने क्या किया, दूसरे लोगों के बारे में बात करोगे कि नहीं करोगे? मैं कहता हूं दोस्त, किसी और के बारे में क्या बात करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही देर आप AWPL के प्रोडक्ट के लिए बात करना। जब मेरे घर में फायदा हुआ, नेमी चंद सर ने बोला कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, और उन्होंने क्या बोला, अपनो तो काम। मेरे दोस्त सोच के देखिएगा हम लोग क्या काम कर रहे हैं। इस काम की पावर मैं आपको बताता हूं, हम लोग आज क्यों पैसा कमा रहे हैं मैं पावर बताता हूं। दुनिया में दो तरीके के काम होते हैं, एक काम वो जहां लोग पैसे कमाते हैं लोगों की गालियां खाके, और दूसरा काम वो जहां पे लोग पैसे कमाते हैं लोगों की से तालियां बजवा के। डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों की गालियां कोई खा के काम करता है उसका वो काम अच्छा है, या तालियां बजवा के जो पैसे कमाता है वो काम अच्छा है। मुझे बताइए तालियां वाला या गालियां वाला क्यों है, क्यों है? आज हमारे प्रोडक्ट के चमत्कारिक रिजल्ट देखिए आप, आपने कई लोगों का ऐसे देखा होगा, आपने प्रोडक्ट दिया होगा। मुझे आप लोग ही बताते हैं कि जो लोग पार्क में व्हील चेयर पे चला करते थे आज उन्होंने हमारा इम्यूनोडोग ऑर्थोडोग थंडर ब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट यूज किए और आज वो लोग पैदल चलने लग गए। साहब सोच के बताइए मुझे 70 साल के उस बूढ़े आदमी की दुआएं हमें लगी कि नहीं लगी? आप ऐसे प्रोडक्ट कैंसर जैसे चमत्कारी रिजल्ट जहां पे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ और सेवा करो। और दोस्त मैं बताऊं कि आज उन प्रोडक्ट उन लोगों को SLPS के प्रोडक्ट ने एक नया जीवन दान देने का काम किया है। ये मुझे बताइए पुण्य का काम है कि नहीं है? ऐसे ऐसे लोग जैसा नेमी चंद जी ने बताया जिनके घर में 10 साल से 12 साल से 15 साल से कुशियां नहीं आई थी यार, लाखों लोग रुपए डॉक्टरों के पास दे दिए, उसके बाद उनके घर में नाम मात्र की कुशियां नहीं थी, वो परिवार उन कुशियों के लिए परेशान था। आपका गायनोडोग थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडोग जैसे प्रोडक्ट देने के बाद किसी के परिवार में कुशियां आ गई, मुझे बताइए इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो सकता है क्या? आपको अगर करना है तो उस धर्म के लिए काम करना, और आज के बाद अगर इस विजन लेके जाना है तो ये सोच के जाना कि जो आज आदमी सामने खड़ा है मैं प्रत्यक्ष हूं, प्रमाण हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जब इस इंडस्ट्री की मैंने शुरुआत की थी एक सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करते थी साहब 400 रुपए की। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नई साइकिल नहीं खरीदी है, क्योंकि नई साइकिल खरीदे जितने पैसे नहीं थे। और साइकिल चलाने वाले की खास बात, इस जगह से पैंट हमेशा फटी रहती है, रहती है ना? किसी ने साइकिल चलाई है तो मेरी भावनाओं को समझ सकता है। इस जगह से पैंट काली रहती है क्योंकि चैन में फंस जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब लोगों के घरों में जाता था और लोगों के घर में वॉश बेसिन में हाथ बोलता धोता था और मैं बोलता था आप भी करोड़पति बनेंगे मैं भी बनूंगा साथ दो, बोलता था पहले खुद अपना हुलिया तो चेंज करो। लेकिन दोस्त
दुनिया क्या बोलती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिल क्या बोलता है। और मैंने वो किया, हजारों लोगों ने नकारा, सैकड़ों लोगों ने नकारा, लोगों ने बोला कि नहीं कर सकता। और जब जब लोगों ने बोला नहीं कर सकता, तब तब अंदर से एक आवाज आई कि जो जो बोल रहे नहीं कर सकता उसी को करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। और आज बताने की जरूरत नहीं है सर कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है। आज मेरी टीम में 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरे दोस्त, पहले दिन लगता था कि कभी विदेश जाएंगे, हम बोलते ना सपने होते नहीं होते थे, सब गोवा के समुद्र में घूमेंगे, दुबई के समुद्र में घूमेंगे, मालदीव के अंदर समुद्र में घूमेंगे तैरेंगे, ऐसे सपने नहीं हुआ करते थे। हम लोग तो समुद्र में तो नहाए, स्विमिंग पूल में तो नहाए, लेकिन पता है कौन से में, जो अपने गांव में जोड़ा होता है उसी की बात कर रहा हूं। नहाए ना आप लोग कहीं, जिस आदमी को तैरना आता है वो तो तैर लेता है, और उसी जोड़ में हम नहाते हैं और उसी जोड़ में हमारे गांव की भैंस नहाती है। याद दिला रहा हूं आपका पुराना टाइम, ऐसा ही हुआ ना। और जिसको तैरना आता है वो तैरता है, और जिसको तैरना नहीं आता वो भैंस का पूंछ पकड़े रहता है, क्योंकि भैंस डूबने नहीं देती है। दोस्त मेरे दोस्त, वो जिंदगी से लेकर आज अनगिनत विदेशी यात्राएं किए, और आज मैं बताऊं कि मेरे साथ में आए हुए लोग जब यहां पे बोलते हैं कि मैंने ये गाड़ी ली, ये गाड़ी ली, ये गाड़ी ली, किसी और को खुशी होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुझे पक्का खुशी होती है। दोस्त मेरे दोस्त, आज आप पूरे राजस्थान से आए हैं, आप लोग इस चीज को सुन रहे हैं, आज मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, बस पीछे मत हटना, कदम आगे ले लिया है, पीछे मत हटना। लोग मना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग साथ आए तो भी अच्छा, ना आए तो भी, क्योंकि सारे लोग साथ आ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। जब हम 5-स्टार होटल में रुकेंगे ना, तो कुछ लोग सर्विस देने के लिए हमें जरूरी है। जब हम 5-स्टार होटल के आगे गाड़ी लगाएंगे ना, तो कुछ लोग आपके फाटक को खोलने के लिए भी जरूरी है। जब आप हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तो एयरपोर्ट पे कुछ लोग आपको सीट इश्यू करने के लिए और टिकट बनाने के लिए भी जरूरी है। कोशिश करना और ऊपर वाले से हाथ जोड़ना कि भगवान सारे लोग मेरे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जुड़ गए तो हमें सर्विस कौन देगा यार। बस इसी उम्मीद के साथ लगे रहना, और ये एक चीज सोच के कि कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर, लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, बस हार मत मान, कोशिश कर, कोशिश कर, कोशिश कर, आज नहीं तो कल हसीना मारी जाएगी यार। तैयार है कोशिश करने के लिए, तैयार है इतिहास लिखने के लिए, तैयार है कुछ ऐसा करने के लिए कि आने वाले टाइम में पूरी SLPS वेलनेस के अंदर अगर पूरी SLPS इस टीम को देखे तो इनको लगे वाह किसी टीम ने कुछ करके दिखाया यार। क्या करने के लिए तैयार है? तो दोस्त हमारे सामने एक टारगेट है जिसकी 2 वीक के बाद क्लोजिंग होने वाली है। कहां का फर्क? जैसलमेर का नहीं है, क्योंकि राजस्थान का राजस्थान में है। फर्क इस बात का है कि हम जीत के जाने वाले हैं, और जीतने वाला ही बड़ा विजेता बनता है। छोटी छोटी जीत से आप बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन आप जब छोटी छोटी जीत अपनी जिंदगी में हासिल नहीं करेंगे तो कभी बड़ा जीतने की आपको आदत नहीं पड़ेगी। क्या सारे लोग अपनी टीम से ज्यादा लोगों को जैसलमेर क्वालिफाई करवाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? और दोस्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो लोग जीता हुआ है उसको मैं मेरे शब्दों से कॉल करूं।
मैं चाहूंगा आप सबकी तालियों के साथ जितने एक मिनट जितने भी जैसलमेर अचीवर हैं सारे के सारे स्टेज पर आ जाए। म्यूजिक वाले भैया जैसलमेर विजेता को मैं कॉल कर रहा हूं, अगर आप भी सोचेगा अगर आप लोग भी विजेता बन जाते तो शायद मैं कॉल कर रहा होता। जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं सबकी नेम लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जैसलमेर विनर है उन सबके लिए जोरदार तालियां। और हम लोग ये तालियां एक मिनट तालियां ये सोचते हुए बजानी है कि अगली बार सर मुझे भी कॉल करेंगे। तैयार है? एक जोरदार तालियां सभी जैसलमेर विनर के लिए।